नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं। सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोडमैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है, और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसने ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। CA कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है, उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू की अपने शामिल किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को सोलर पैनल के जरिए मुफ्त बिजली देंगे, यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बनाना, उसका अल्टरनेट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कि हम इस दिशा में इस कदम को उठाएंगे सूर्य घर योजना के तहत। फसलों में MSP और किसान सम्मान निधि फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया है। बुलेट ट्रेन के विस्तार वगैरह की बात लगातार हुई है, और आज भारत पर दुनिया का जो भरोसा मजबूत हुआ है, भारत का आज का भारत मानवता की प्रबल पक्षधर शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में गौरव की अनुभूति का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा, इस आधार पर ये संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज आप सबके सामने संकल्प पत्र की कुछ बातों को मैं उल्लेखित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। कोई बात नहीं, 2 मिनट का समय लेके माइक शिफ्ट कर दीजिए। आप भी अनिल जी आ जाओ, ये माइक शिफ्ट कर दीजिए, आइए ले आइए। सारे बड़ी जंग है दोनों। तो इस अल्प विराम के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, कृपया इस पत्रकार वार्ता का संबोधन प्रारंभ करें। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, चुनाव अभियान समिति के संयोजक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज माननीय आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। माननीय मोदी जी ने
दस साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, इसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा, गारंटी की गारंटी वही बोल सकता जिसके अंतर मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। मैं समझ सकता हूँ आज के अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी, लेकिन ये भी बात सही है कि संघी पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफ़ी हद तक काम किया है, और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी, और जो अब नया संकल्प पत्र बना है, क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देख कर बोलना चाहूँगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है, तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज़्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं, तो एकाध जिला तो मेरा भी आता है जो अग्रह जिले से मैं आता हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा मकान दिए गए, अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज़्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी, मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मील बंद हो गए 20-20, 30-30 साल पहले, तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है, तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है ये संकल्प पत्र के माध्यम से, अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पर पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है बड़े पैमाने पर। जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाएं। आपको ध्यान में होगा इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं, उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूंकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और उन पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं इस किसी केंद्र पर ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले
अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है, और मध्यम से ऊपर वाले भी, जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं, सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो चार जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए। उद्योग की कैटेगरी भी 4 नंबर तक की कैटेगरी गई, अभी तक तो हम स्मॉल स्केल से लेकर के केवल 3 श्रेणी में जाते थे, लेकिन रोजगार परक उद्योग जिनके उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई, आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना, हम कल्पना करें कि ये वो दौर था जब दौर में गणेश जी भी चाइना बनाने लग गया था, हमारे अपने घरों के अंदर मूर्ति पूजा के लिए भी हमारे लिए अपने यहाँ ये जो नया बदलाव आया संकल्प पत्रों के बलबूते पर, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर वन पे भारत आ गया, तो ऐसे में हमारी संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से चिप के मामले में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के भी जो कल्पना, तो अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते और जिस ढंग से हमारी खास करके जबलपुर की सैन्य शक्ति के साथ वहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं जो आर्मी के हथियार बनाती हैं, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहे हैं, रोजगार का भी ध्यान रख रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया, मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई, तो शहर का जो शहरीकरण बढ़ रहा है तो केवल शहर में गरीब लोगों के लिए उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनका निदान भी इसमें खोजा गया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योग्य प्रकार के आवास बना करके उनको दे करके एक तो शहर का सौंदर्यीकरण भी करा जाए, इसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट के माध्यम से सभी सर्व सुविधा युक्त शहर के बढ़ते आबादी के घनत्व को भी समायोजन करने का प्रयास किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने भी निर्णय किया था, जैसे आम तौर पर कोई शहर बढ़ता है तो हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में बढ़ जाता है, तो सर्वांगीण प्रकार से जोड़ते हुए और 25 साल तक के आगे का प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए और ट्विन सिटी का भी कंसेप्ट इसमें एक तरह से सैटेलाइट टाउन के माध्यम से पूरा होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के महानगरों की बात कही जाए तो महानगरों से जुड़े हुए नगर भी एक तरह से दोनों तरफ से विकास समान रूप से होता है, लेकिन अभी अभी ध्यान ऐसा आता है कि केवल एक ही नगर की तरफ ध्यान जाता है, दूसरा नगर अपनी जो सीमित व्यवस्था उसके आधार पर बढ़ता है। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे, हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे, तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, अब मैं ज़्यादा आपको ये पत्र मिलेगा इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित, खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जुड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है, जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से, तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जींस खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है, तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में
रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है। फिर हमारे बड़े बड़े तालाब बने हैं, बड़े तालाबों में जल रचनाएं बढ़ी हुई, तो ऐसे में मछली पालन की बड़ी अच्छी संभावना है। तो मछली पालन पे भी हमने काम करने के लिए इसी में से रास्ता ढूंढा है। मुझे लगता है कि लगभग किसान सम्मान निधि की जो 10 करोड़ लोगों को देने वाली बात, हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि समान रूप से दे करके किसान का भी और सेना के जवान का भी दोनों का ध्यान इसमें रखा गया है। हमारे जनजाति गौरव की बात इसमें कही है कि हमारी विरासतों पे हम काम करेंगे, तो ट्राइबल का हमारा आदिवासी बहुत बड़ा अंचल है, ऐसे में हमारे लिए इसी प्रकार के बहुत सारे केंद्र जिनको सांस्कृतिक केंद्र के नाते से हम जाना जा सकते हैं, विभिन्न भाषा बोलियों को संरक्षण करने की बात हो सकती है, इस पर हम काम करेंगे। खास करके माननीय मोदी जी ने तो तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से एक बात कही है, तो तमिल भाषा के आधार पर माननीय मोदी जी ने केंद्र के इसमें जोड़ा और हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के सभी भाषा बोली के संरक्षण को लेकर के अच्छे से काम करेंगे। एक अच्छी बात रेलवे को लेकर भी, भारत में हमारे वंदे भारत ट्रेन का जो विकास चल रहा है, अभी अभी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनको वंदे भारत ट्रेन मिलने से एक तरह से खजुराहो का टूरिज्म भी बदला है और ये हमारा एक नया सेक्टर बदला है। और एक और जानकारी कि 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपया केवल रेल के सुविधाओं के लिए मिलता था। आज की स्थिति है, पिछले मोदी जी जो कहते हैं वो करके कैसे दिखाते हैं, अभी इस साल तक हमारे पास एक ही साल में 15,500 करोड़ रुपया रेल के लिए मिला है। तो कहाँ 150 करोड़ का 15,500 करोड़। और अभी मेरी विष्णु जी से जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में आता है और मध्य में आने के कारण से आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर लिया है, बड़े हाईवे निकालना, बाकी सड़कें बनाना, लेकिन अब आप रेल के भी आप इसी प्रकार के नई रेल लाइन प्रस्तावित कराइए। तो हमने इस पर अलग अलग प्रकार से मीटिंग करके इसके जो संकल्प लिया है, रेल की सौगातें मिले, रेल की अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का लाभ मिले और इसी प्रकार से अपने प्रदेश का पूरे देश के अंदर रेल नेटवर्क में बड़ा रोल आ जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी बाकी तो मैं काफ़ी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो एक ध्येय वाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं, यही समय है, सही समय है, भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आगे बढ़ने का, निश्चित रूप से इस समय का हम उपयोग करेंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते हुए, जैसे इसमें गुंजाइश दी संकल्प पत्र में, हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई थी। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियाँ हैं उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की को रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जा कर के कैसे कैसे साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी, आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही, कौन सा सेक्टर छोड़ा है, सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। मुझे लगता है कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम को तीसरे चरण में ले जाते हुए मध्य प्रदेश हेतु संकल्प पत्र के विमोचन के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कृपया प्रतिया मंच को सौंपे ताकि हम इसका विमोचन मध्य प्रदेश के लिए कर सके। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कल ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया है और मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ में हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VT शर्मा। आप देख सकते हैं मोदी की गारंटी नाम दिया गया है संकल्प पत्र को, उसका विमोचन करते हुए ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल से बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी है कि यही समय है, सही समय है, ये वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जाता है। और जो भी बातें अभी तक संकल्प पत्र में कही गई हैं, 2019 में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो सभी पूरे किए गए हैं और इसी तरह से इस बार ज्यादा लोकलुभावन घोषणाएं नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही ये संकल्प पत्र बनाया गया है और उसी की प्रतियां अब विमोचन कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ में है VD शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसी की प्रीतियां हम आपको दिखा रहे हैं कि संकल्प पत्र जो 70 से ज्यादा पेजों का बनाया गया है, 15 लाख से ज्यादा सुझावों के आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है जिसके जरिए जो 5 साल तक राशन योजना है उसको भी बढ़ा दिया गया है।
बीजेपी की तरफ से, और इसके साथ साथ आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी बनाकर तैयार किए जाएंगे। किसानों के लिए का भी ध्यान इसमें रखा गया है, MSP को लेकर भी बात की गई है, और जवान यानी युवाओं को लेकर भी इसमें केंद्रित हैं, कई वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनकी जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता को दी है। इस संकल्प पत्र में UCC भी है और 2036 के ओलंपिक भी है। तो अब इस कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण में ले जाते हुए